यहोवा एलियों सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियों सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनत हूँ, अब तो मैं व्यवस्था विवरण में, व्यवस्था विवरण दैट इज ड्यूट्रोनॉमी, है ना, ड्यूट्रोनॉमी, उसमें क्लियरली बता के दिया है। हालेलुया, श्रापित होने का क्या क्या कारण है। ड्यूट्रोनॉमी 27:15 से लिखा है कौन कौन श्रापित है। ये लिस्ट में दिया हुआ श्रापों पाप का कारण से एक व्यक्ति के ऊपर होने वाला श्राप है। Because of sin, a person can be get cursed. How Cain got get cursed? Na, Cain कैसे श्रापित हो गया? वैसे एक व्यक्ति क्या हो सकते? श्रापित हो सकते। Hallelujah. तो इधर लिस्ट दिया है। श्रापित होने का कारण बनने वाला पापों का लिस्ट दिया है। जल्दी पढ़िए। देखो, परदेशी अनाथ विधवा को न्याय बिगाड़ेगा तो वो भी श्रापित है। और उसका आगे, हाँ देखो, ये मतलब क्या ना, व्यभिचार जैसे अन्याय करने वाला वो भी श्राप है। हालेलुया। सेक्सुअल इमोरालिटीज, अगले के वचनों में क्या बताया मल में, जो जो सेक्सुअल इमोरालिटीज, हालेलुया, व्यभिचार जैसे जो पापों, वैसे पापों करने वाला क्या होते मल में, श्रापित होते। हालेलुया। मैं क्या कहा, धन्यवाद यीशु। जो भी परमेश्वर का वजन का व्यवस्था छोड़ के कोई भी व्यक्ति जिएगा, एक उस व्यक्ति के ऊपर एक श्राप आने वाला है। उस श्राप को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें प्रभु की उपस्थिति में नम्र करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया। मैं काफी लोगों को जानते हैं। हालेलुया। काफी लोग कुछ गलतियों करने का वजह से क्या हो गया, श्रापित हो गया। पीढ़ी पीढ़ी तक उसका असर उस परिवार में। आपको जानते हैं वचन में क्या लिखा है मालूम है, ब्लेसिंग विल लास्ट फॉर 1000 जनरेशन, हजार पीढ़ी तक आशीष रहने वाला है। एंड द कर्स विल लास्ट फॉर 4 जनरेशन, कितना पीढ़ी तक। आमेन। आपने कुछ गलती किया, उसका असर सिर्फ आपको ऊपर नहीं है, आपका 4 पीढ़ी, हालेलुया, सहना पड़ेगा। जादू टोना करने वाला परिवार, कुछ परिवार होते कोई भी चीज के लिए करेगा जादू टोना। मैं कहना चाहता हूं उसका 4 पीढ़ी तक श्रापित है। ना तो जादू टोना करने वाला लोगों का परिवार का हिस्ट्री आप स्टडी करके देखो, कारण क्या है। ये सब वचन में लिखा है, ये सब कुछ करने वाला का जीवन में ऐसे ही श्राप होने वाला है। मैं कहना चाहता हूं मेरा परिवार का स्टोरी ऐसे था। मेरा दादाजी का पिता सब बहुत, मैं हालेलुया, इन दैट सेंस आई एम द 4th जनरेशन। और मेरा उस खानदान पूरा क्या करते था मतलब, जादू टोना ही करते थे। कोई भी काम के लिए जादू टोना, किसी के बच्चा को बीमार हो गया तो भी क्या करेगा, हाँ उसके लिए भी जादू टोना। हालेलुया। कोई किसी को सर्दी आए उसके लिए भी जादू टोना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जादू टोना कर करके क्या हो गया मालूम है, मेरा पूरा परिवार श्रापित हो गया। मेरा परिवार में, मेरा दादाजी का पीढ़ी में सभी लोग लकवा मार के मरते थे। मेरा दादाजी का छोटा भाई, शादी भी ना हुआ था, रास्ता में गिर के लकवा मारा और घर में लेके आया, मर गया। मेरा पिताजी लकवा मारा, मेरा पिताजी, मेरा जन्म से 1 महीने पहले मेरा पिताजी लकवा मारा। धन्यवाद यीशु। घर घर में श्राप था। हालेलुया। घर के हार हार क्या बोलते, हालेलुया, परिवार में श्राप था। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। किस कारण से, किस कारण से, अपना जो खानदान का जो घर है ना, जब मुझे 3 साल उम्र था पूरा जल गया। हालेलुया, पूरा जल गया। धन्यवाद यीशु, कुछ भी चीज उसमें से मिला नहीं। मैंने क्या कहा, हालेलुया, मेरा पूरा घर जल गया जब मेरे मुझे 3 साल उम्र था। पापा चल नहीं सकते, पापा क्रचेस उपयोग करके चलते था। धन्यवाद यीशु। क्यों, वचन में लिखा है
ये सब कुछ करने वाला का पीड़ा पीड़ा बढ़ने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लेकिन मेरा दादाजी विश्वास में आया, अपना परिवार को उस कब्जे से प्रभु ने बाहर लाया। हालेलुया, मेरा अंदर एक बहुत बड़ा डर था। क्या डर था मालूम है? मेरे खानदान में यही हो रहे, एक दिन मेरा भी हालात यही होने वाला है। मैं मुझे अभी भी याद में है 2007 में, हालेलुया, 2007 में हमेशा सैतान मेरे कान में कहते था, मेरा पिताजी जैसे लकवा मारा तुम भी लकवा मारने वाला है। हालेलुया, तुम भी बीमार होने वाला है। हमेशा कोई कोई मेरे कान में इसे कहता था, 35 साल जब तुम्हें उम्र होने वाला है तभी क्या ना तेरा भी हालात यही होने वाला है। तुम 35 साल क्रॉस करने वाला 2007 में, मैं क्या कहना चाहता आपको 2007 में। हालेलुया, फेथ सिटी चर्च में ऐसे एक उपवास प्रार्थना हो रहा, फेथ सिटी चर्च में ऐसे एक उपवास प्रार्थना हो रहा, 3 दिन का उपवास प्रार्थना। मैं उस कलीसिया का सेवक है उस समय में। हालेलुया, मैं एकदम आगे का रो में बैठा है, एक परमेश्वर का दास सेवकाई करने के लिए आया। उन्होंने वचन ऐसे बता रहे, हालेलुया, उन्होंने श्रापों के बारे में कहा, उन्होंने हालेलुया परंपरा के बंधनों के बारे में कहा। मैं एकदम आगे बैठ के प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का आत्मा मुझे बोला, तेरा विरुद्ध में, तेरे परिवार का विरुद्ध में आज तक काम किया उस अंधकार का शक्ति को तुम दाट के प्रार्थना करो। तेरा पिताजी को लकवा हाल बनाया, तेरा दादाओं को हाल तकलीफ दिया, उस शक्ति आगे तेरा पीढ़ी को नहीं छूने के लिए क्या करो, उसको दाट के प्रार्थना करो। मैं उधर बैठ के कूद के आराधना करना शुरू किया, आगे का सीट में बैठ के मैं आत्मा में बढ़ के हालेलुया तालियां बजाकर एक रबर बॉल जैसे मैं कूदना शुरू किया। आई वाज लाइक हालेलुया, मैं ऐसे कहना चाहता हूँ, मैं एकदम मैं ऊपर नीचे के करता था, खुद देता, मैं खुद के बोला यीशु नासरी के नाम है शैतान छोड़ के जाओ, मेरा रास्ता से हट जाओ, श्राप का शक्ति हट जाओ। तो आप भी तोड़ सकते हैं, आपका विरुद्ध में परंपराओं का काल से बंधन डाल कर रखा उस अंधकार का शक्तियों को, उस जो जादू टोना का शक्तियों को, उस श्राप का शक्तियों को पवित्र आत्मा के भरपूर के साथ दाट के बोलो, मेरे घर से हट जाओ, मेरे पीढ़ियों से हट जाओ। जब मैं डानी के लिए प्रार्थना करता था, हम ऐसा प्रार्थना करता था, अपना 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 घर में, अपना खानदान में पीढ़ी पीढ़ी में ट्रांसफर हो गया, ओ श्राप मेरा बच्चा का ऊपर आना, मैं इधर ही फुल स्टॉप डाल रहा हूं, अगले पीढ़ी में ये ट्रांसफर होना नहीं है। मैंने कहा 4 पीढ़ी तक क्या होने वाला है, श्राप ट्रांसफर होने वाले। मैंने कहा प्रभु मेरा दादाजी यीशु में आया, उन्होंने यीशु के लिए खड़ा था, उन्होंने एक कच्चा प्रचारक बना, उन्होंने यीशु का राज के लिए बहुत मेहनत किया, इसीलिए जरूर आशीष क्या होने वाला है, मिलने वाला है। मुझे श्राप नहीं मांगते मुझे, ओ मेरा दादाजी का आशीष मुझे चाहिए, मेरा पिताजी यीशु का सेवक था, इसलिए उस आशीष मेरे ऊपर आने दो, उस श्राप मुझे नहीं मांगते। हालेलुया, मेरा ऊपर और मेरा बच्चों के ऊपर, ओ मेरा खानदान का जादू टोने का श्राप हम नहीं है, मगर मेरा पिताजी मेरा दादा ने यीशु के लिए सेवा किया उसका आशीष, वो भी 1000 पीढ़ी तक रहने वाला, उस आशीष मेरे ऊपर आने दीजिए। बिकॉज ऑफ यू द अर्थ विल बी कर्स्ड, हालेलुया, तेरे कारण से धरती श्रापित होने वाला है, साप तुम श्रापित होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, आदम का वंश में जन्म होने के कारण से हम आकर उस पाप के कारण से श्रापित हुआ, तो यीशु का कालवरी के क्रूस का मृत्यु के कारण से क्या हो गया, वो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन व्यक्तिगत रूप में हम जो पाप अभी भी कर रहे, हालेलुया, उसका असर अपने ऊपर होने वाला है, उसका सजा होने वाला है ना। उसमें से छुटकारा चाहिए तो आपको नम्र होके यीशु के लहू से अपना आप धो डाल के बोलना, यीशु उस पापों के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उस श्राप से मुझे बाहर लाओ, उस बंधन मेरा जिंदगी में उसमें से मुझे खोल के बाहर लाओ, मैं फुल रिलीफ अनुभव करना चाहता हूँ। ओ उधर क्या लिखा है मालवे, हालेलुया, आदम को कहा हालेलुया यू आर टेकन फ्रॉम टेस्ट एंड यू आर गोइंग टू गेट बैक टू द डस्ट, हालेलुया, तुमको धूल से उठाया, तुम धूल में वापस, तुम धूल में वापस आ जाने वाला है। हाल धूल श्रापित है और तुम श्रापित धूल में वापस मिलने वाला है ना। ये अर्थ डस्ट, इट्स कर्स, डस्ट इट सिग्निफाइज डेथ, हालेलुया। डस्ट क्या दिखाते है, मृत्यु को दिखाते है, क्यों तुम मरेगा और तुम डस्ट बन जाएगा,
तुम मरेगा, तुम धूल बन जाएगा, श्रापित हो गया, धरती का धूल का भाग तुम बनने वाला है। हालेलुया। लेकिन आखिरी आदम जब धरती में आया, पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय है, घर पे जाके पढ़ो, एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं है। उसका 43 से अब पढ़ेगा तो उधर ऐसे लिखा है, वंस वी वर इन द इमेज ऑफ द आदम, हालेलुया, हु वाज फ्रॉम अर्थ, हालेलुया, हु वाज टेकन फ्रॉम अर्थ, बट नाउ वी हैव द इमेज ऑफ द हेवनली वन। एक समय ऐसे था, हमें आदम का स्वरूप में बनाया था, हम मिट्टी से उठा के बनाए वो लोग था, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, हम स्वर्ग से उतराया, उस स्वर्गवासी का हालेलुया स्वरूप में, उसका लाइकनेस में। जरा पढ़िए, पढ़ के हम प्रार्थना करें। पहले कुरिन्थियों 15 अध्याय का 43 से कोई पढ़िए, पहले कुरिन्थियों 15 का 43 से दो तीन वचन जल्दी पढ़िए। हालेलुया। आई जस्ट वांट टू कंक्लूड इट एंड टुमारो मॉर्निंग आई मे बी टेकिंग द अदर सब्जेक्ट। हालेलुया। इट्स टॉकिंग अबाउट डेथ एंड बोरियल। हालेलुया। इट्स टॉकिंग अबाउट डेथ एंड बोरियल, मृत्यु और घाटने के बारे में इधर बोल रहे। हाँ, क्या बोला? हालेलुया। देखो, व्हाट यू आर सोइंग, नेचुरल बॉडी, हालेलुया, स्वाभाविक शरीर को बोते, लेकिन जी उठते क्या? जी उठते। देखो, आदमिक बॉडी इस मिट्टी में मिल जाते, हालेलुया, लेकिन जी उठेगा, नॉट द आदमिक बॉडी बट द हेवनली बॉडी, द स्पिरिचुअल बॉडी दैट्स गोइंग टू गेट रिसरेक्टेड। दैट्स एन अमेजिंग वर्ड माय डियर चर्च। उसका अर्थ समझेगा तो हाल इतना खुशी आनंद अपने दिल के अंदर आएगा। आदम को प्रभु ने कहा, आदम को परमेश्वर ने कहा, श्रापित हो गया, इस मिट्टी का धूल से तुम्हें बनाया, इस धूल में तुम वापस मिलने वाला है ना, श्रापित हो गया इस मिट्टी का धूल से तुम्हें, है ना। हालेलुया। जेनेसिस चैप्टर 3 में क्या लिखा है? यू आर टेकन फ्रॉम डस्ट एंड यू विल रिटर्न टू डस्ट। हालेलुया। तुमको मिट्टी से लिया और तुम मिट्टी में वापस जाने वाला है। लेकिन कुरिन्थियों में उस बड़ा श्राप का एक क्या बोलते हैं, हालेलुया, एक मोचन, हालेलुया, उस श्राप का मोचन, क्या मोचन है? मिट्टी में तुम मिल जाएगा, उधर कहानी खत्म होता नहीं है। ईश के द्वारा उस मिट्टी से हेवनली बॉडी, तेरा शरीर बदल जाएगा। गऊ का दाना को जैसे बोते, बोने के बाद में वो गऊ का दाना खत्म हो गया, उधर एक नया पौधा, एकदम अलग रूप है, एकदम अलग रंग है। दाना क्या बोया, लेकिन जब उस दाना मर गया, खत्म हो गया, क्या नया आते? इस जो दाना से शक्ल में कुछ भी, इन द सेम वे आदमिक बॉडी को बोया और बाहर क्या आने वाला है? हेवनली बॉडी आने वाला है। आगे पढ़िए। आदम जीवी प्राणी बना, अंतिम आदम, नॉट द सेकंड आदम, वी यूज्ड टू से सेकंड आदम, वो गलत फ्रेज है, अंतिम आदम। सेकंड आदम बोलेगा तो देयर इज अ चांस फॉर थर्ड आदम, और एक आदम जीसस इज द लास्ट आदम, हालेलुया, आखिरी आदम। और पढ़िए, जीवनता एक आत्मा बना, लास्ट आदम कौन है? हो, आदम को कर्स दिया ना, तो आदम को सजा दिया, तभी परमेश्वर ने कहा यू विल रिटर्न टू, हालेलुया। लेकिन आखिरी आदम का क्या बारे में क्या कहा मालूम है? हालेलुया, तेरा शरीर, हालेलुया, ओ सटने वाला, सही है ना? यीशु का शरीर के बारे में क्या कहा? अवन निंद परिशुद्ध ने द्रवत्तं गाणान ई മണ്ണിനെ തൊടാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന്। ആദമിന്റെ ശരീരം മണ്ണായി മാറിയെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വന്ന സ്വർഗീയന്റെ ശരീരം ഈ മണ്ണിൽ ലയിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഉയർപ്പിലൂടെ അത് പുറത്തു വന്നെന്ന്। हालेलुया। आदम का शरीर इस मिट्टी में मिल गया, लेकिन स्वर्ग से उतराया, आखिरी आदम का शरीर मिट्टी में मिलने के लिए नहीं हुआ, मगर वचन में क्या लिखा है? मेरा पवित्र को मैं क्या करने वाला नहीं है? सटने के लिए, नाश होने के लिए नहीं देने वाला है, बिकॉज दिस बॉडी वॉज हेवनली। हालेलुया। मिट्टी का अर्थ में पहले कह के दिया, डेथ फेल्ड टू कैप्चर हिम, हालेलुया, डेथ फेल्ड टू कैप्चर हिम, इवन दो ही वाज डेड ऑन द क्रॉस ऑफ कैलवरी, द डेथ ऑफ डेथ इज फेल्ड टू कैप्चर जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, हालेलुया। डेथ मतलब क्या है? डेथ है ना, डेथ और डेथ इज फेल्ड टू कैप्चर जीसस।
कर नहीं पाया, डस्ट बना नहीं पाया यीशु को। तीसरा दिन मृत्यु से वो जी उड़ा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अगर मृत्यु से आखिरी आदम जी उड़ा, मिट्टी में मिल नहीं पाया, वैसे हम भी एक दिन जी उठने वाला है, हम भी एक दिन जी उठने वाला है। आदमी हालेलुया, पनिशमेंट से हमें बहुत बड़ा छुटकारा यीशु मसीह के द्वारा। आगे पढ़िए जल्दी। प्रथम मनुष्य कहां से था? धरती से। यस्टरडे आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, व्हाई मैन गॉट क्रिएटेड फ्रॉम डस्ट, है ना? कल मैंने पूछा इंसान को क्यों डस्ट से बनाया। हालेलुया, उसका आंसर इधर भी मिल रहे। हालेलुया, प्रथम मनुष्य कहां से था? धरती से था। लेकिन आखिरी आखिरी आदम कहां से? दूसरा मनुष्य यीशु मसीह कहां से? Oh, he is not taken from earth. Hallelujah. He came down from the heaven. Hallelujah. जरा पढ़िए। जैसा वो मिट्टी का था वैसे ही वे भी है। ओह देखो क्लियर है ना, जो मिट्टी के लिए रखा है वो आदम का जैसे मिट्टी का है, लेकिन हम मिट्टी के लिए रखा वो लोग नहीं है, हम पुनरुत्थान प्राप्त करके स्वर्गवासी बनने के लिए बनाया है, इसलिए हम उस आदम का जैसा नहीं है, आखिरी आदम का जैसे। हाँ जरा पढ़िए, जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय। आप कैसे? आप स्वर्गीय का जैसे। You are like the heavenly one. You are not like the first Adam who was taken from dust. Hallelujah. But you are in the likeness of the heavenly one. Hallelujah. Philippians 3 ka 21 padhi. Hamari din hin deh ka roop badal kar apni mahima ke dev ke anusar। आमेन आमेन आमेन। अभी आपका देह कौन सा है? हालेलुया, दीन हीन आदमिक बॉडी, लेकिन बाय द पावर ऑफ हिज रेजरेक्शन ही विल चेंज अवर बॉडी इनटू द लाइकनेस ऑफ हिज बॉडी। हालेलुया, अपना शरीर को उनका हेवनली स्वर्गीय शरीर के रूप में, उनका महिमावान शरीर के रूप में वो क्या करेगा? चेंज करेगा, बदलेगा। बंद करके कहो, आदम का द्वारा मृत्यु आया लेकिन यीशु का द्वारा जीत आया। हालेलुया, आदम का द्वारा धरती श्रापित हो गया ये, लेकिन यीशु का द्वारा नया धरती और नया आसमान आने वाला है। हर आंख बंद करके कहो, प्रभु मेरे जिंदगी में आप दिया विश्वासियों के लिए धन्यवाद। हालेलुया, अगर कोई भी व्यक्ति में, कोई भी परिवार में कुछ भी तरह का श्राप है तो आज रात की रात को इस वचन सुना, आप प्रार्थना करो, प्रभु जी 2018 अगस्त 15 तारीख को आज भारत उसका स्वतंत्रता का दिन मनाया, लेकिन आत्मिक रूप में अपना जिंदगी में सबसे बड़ा आजादी का दिन मनाओ। हेलो, कोई भी भूलेगा नहीं, अगस्त 15 2018 भारत उसका आजादी का दिन मना रहे। आज मैं आपको देख के बोलना चाहता हूं, आत्मिक रूप में श्रापों से आजादी पाने वाला, स्वतंत्र होने वाला, आपका इतिहास को बदलने वाला, आपका तकदीर को बदलने वाला एक दिन बनने दीजिए। आज का दिन यीशु नासरी के नाम है। ऐसे प्रार्थना करो, मेरा जीवन को बदलो, मेरा जीवन में बहुत बड़ा स्वतंत्रता लाओ, मेरा जीवन में उस बंधनों को खोल के, उस श्राप का शक्तियों को हटा के, गिव मी ए ब्रेक थ्रू इन माय लाइफ। एक बड़ा ब्रेक थ्रू के बारे में शमावल थाला रगा जगशरे, एक बड़ा ब्रेक थ्रू के बारे में परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहे, एक बड़ा ब्रेक थ्रू। हालेलुया, तुम बहुत बड़ा हालल जुआ का नीचे था। हालेलुया, लेकिन आखिरी आदम का द्वारा एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आया, उजवा को तोड़कर। हालेलुया, हीन दीन शरीर में, हालेलुया, उजवा का नीचे, उस पाप का अधिकार का नीचे था, हमें बचाकर, हमें बचाकर, पाप का सजा से बचाकर हमें महिमा का वारिस बनाया। वजन क्या कहते हैं मालूम है? सहोदर मारे मांस रक्तंगल देवराज्यम
अवकाशमाके इल्ला पहले कुरिदियम 15 का 50 हे भाइयो आ मांस और लहू परमेश्वर का राज्य का इनहेरिटेंस वारिश नहीं बनने वाला है। ओ हम इंसान कोई भी परमेश्वर का राज का वारिश बनने के लिए योग्य नहीं है, फिर कैसे योग्य बन गया? फिलिप्पियों 3:21 में कहा यीशु उसका सामर्थ्य अपना हीन दीन शरीर को, इस मांस लहू का शरीर को, उनका महिमा का शरीर में क्या करने वाला है? बदल डालने वाला है। इससे बड़ा क्या ब्रेक थ्रू है? आदम के ऊपर हुआ सारे श्रापों यीशु मसीह के द्वारा हमसे दूर हो रहे। आज इस वजन को स्वीकार करके कहो एक बड़ा ब्रेक थ्रू मेरा जीवन में दे दीजिए प्रभु जी। कितना लोग प्रार्थना करेगा, आंख बंद करके कहो, अगर आपका जीवन में पीढ़ी पीढ़ी से कुछ श्राप का शक्ति अगर आपको पीछा करते तो आज रात को एक बड़ा छुटकारा का दिन बना दीजिए, एक बड़ा छुटकारा का दिन बना दीजिए। कितना लोग प्रार्थना करेगा, हालेलुया। जैसे मैंने कहा 2007 में फिथ सिटी चर्च का उपवास प्रार्थना में मेरा छुटकारा मैं पाया, वैसे ही हालेलुया आज रात को आपका छुटकारा पाओ। जहां हम बैठा है उधर बैठ के कोई पास्टर हाथ रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पास्टर का हाथ से श्राप से मुक्ति होने वाला नहीं है। श्राप से मुक्ति किसका द्वारा होने वाला है? यीशु का द्वारा। आपका बंधनों को खोल कौन खोलने वाला है? यीशु, हालेलुया। तो अब आई यीशु से कहो यीशु मेरा जीवन में एक ब्रेक थ्रू दे दो, आपका सामर्थ्य मेरा दीनहीन शरीर में जितना श्राप का शक्ति गाजर अभी भी है, मेरा गलतियों के कारण से कितना श्राप मेरा परिवार को पीछे कर रहे, एक ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक थ्रू मेरा जीवन में दे दो ब्रदर। जब उस ब्रेक थ्रू आपका जीवन में आएगा, काफी साल से आपका बंद हो गया कुछ दरवाजों खोलेगा, उस ब्रेक थ्रू आपका जीवन में आएगा, काफी सालों से रुक गया आशीष आपका परिवार में प्रकट हो जाएगा। हेलो, उस श्राप हट जाएगा। When you come out from that curse, उस श्राप से बाहर आएगा क्या होने वाला है? उस रुकावट हट गया, एक बड़ा मरकल, एक बड़ा डिलीवरेंस आपका परिवार में होने वाला है। काफी साल से आपने कोशिश कर रहे जो प्राप्त नहीं किया, कर नहीं पाया, उस आशीषों अपना आप आपका घर में आएगा। कैसे? वो श्राप जब हट जाएगा, हो जमा शमा नादा नादा, एवरीबॉडी प्रे। ये वचन सुन के एक छुटकारा पक्के जाना है आपका परिवार के अंदर। जितने श्राप का शक्तियों आपको पीछा कर रहे, आपका आशीषों को रोक रहे, इस जो विषय में एक छुटकारा लेके आज रात को लौटना है। रिसीव दैट हीलिंग, रिसीव दैट डिलीवरेंस। छूलो प्रभु जी, छूलो प्रभु जी, छूलो प्रभु जी, छूलो प्रभु जी। हर व्यक्ति को छुड़ाओ, हर बंधनों को खोलो, हर श्राप का शक्तियों को हटाओ, यीशु का पवित्र लहू का अधिकार से, यीशु का पवित्र लहू का अधिकार से, यीशु का पवित्र लहू का अधिकार से। आदम का मिट्टी से बनाया हुआ शरीर अपना भी शरीर है, लेकिन हम जुड़ा हुआ है स्वर्गीय, हालेलुया, यीशु के साथ में, हालेलुया। वी आर कनेक्टेड विद द हेवनली वन, एंड बिकॉज ऑफ दैट, हालेलुया, वी कास्ट आउट एवरी एडमिक कर्स, एवरी एडमिक बाउंडेजेस, एवरी, हालेलुया, ओ पनिशमेंट्स, हो एवरी इंपैक्ट ऑफ द सिन फ्रॉम आवर लाइफ। अगर कैन का जैसे, अगर कैन का जैसे पाप करने की वजह से हम में से कोई भी व्यक्ति, हम पाप करने के कारण से, व्यवस्था 27वां अध्याय में से हम पढ़ा, वैसे गलतियों के कारण से अगर कोई भी श्राप अपना ऊपर हो गया, प्रभु हमें शुद्ध कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें धो डाल दीजिए, उस श्राप को हालेलुया अपने जीवन से हटाइए, कलवार के क्रूस में बहाए पवित्र लहू से उस श्राप का कारण बन गया, पापों को धो डाल दीजिए। उस श्राप अपना पीढ़ी में हम रुका के प्रार्थना करते, आगे के पीढ़ियों में उस श्राप
ट्रांसफर होना नहीं है, यीशु नस्र के नाम है। हम फुल स्टॉप डालते हैं, हम फुल स्टॉप डालते हैं उस श्राप का शक्तियों को इस पीढ़ी में। सन 2018 अगस्त 15 तारीख को कलीसिया में काफी लोगों का जिंदगी का आजादी का दिन हम बना के हम घोषणा करते, हम घोषणा करते यीशु नस्र के नाम है। लेट इट बी द डे ऑफ डेलिवरेंस, डे ऑफ फ्रीडम इन द लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन लॉर्ड। वैसे हुआ बोल के धन्यवाद, तालियां बजाकर, हत्ताली बजाकर, तालियां बजाकर। सैतान यू आर द कर्स्ड वन, सैतान यू आर द कर्स्ड वन, वी आर अंडर द ब्लेसिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। सैतान तुम श्रापी दे, हम ईश का द्वारा आशीषी दे। आमेन, आमेन, आमेन। वैसे हुआ बोल के धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Oh man.